इतिहास की दूसरी किताब अध्याय 8 सुलेमान की उपलब्धियां। सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। तब जो नगर हुराम ने सुलेमान को दिए थे उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उसमें इजरायलियों को बसाया। तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर उस पर जयमत हुआ। उसने तदमोर को जो जंगल में है और हमात के सब भंडार नगरों को दृढ़ किया। फिर उसने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बेथरोन को शहरपना और पाटकों और बेड़ों से दृढ़ किया। उसने बालात को और सुलेमान के जितने भंडार नगर थे और उनके रथों और सवारों के जितने नगर थे उनको और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा उन सब को बनाया। हितियों एमोरियों परिजियों हीवियों और यबूसियों के बचे हुए लोग जो इज़राइल के न थे उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गई और उनका इज़राइलियों ने अंत न किया था उनमें से बहुतों को सुलेमान ने बेगार में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इज़राइलियों में से सुलेमान ने अपने काम के लिए किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके हाकिम उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। सुलेमान के सरदारों के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता करने वाले थे वे 250 थे। फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसने कहा जिस जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वह पवित्र है, इसलिए मेरी रानी इज़राइल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी। तब सुलेमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उसने ओसारे के आगे बनाई थी यहोवा को होम बलि चढ़ाई। यह मूसा की आज्ञा और प्रतिदिन के नियम के अनुसार अर्थात विश्राम और नए चांद और प्रतिवर्ष 3 बार ठहराए हुए पर्वों अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और साप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व में बलि चढ़ाया करता था। उसने अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों के सेवा कार्यों के लिए उसके दल ठहराए और लेवियों को उनके कामों पर ठहराया कि हर एक दिन के प्रायोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के सामने सेवा टहल किया करें और एक एक फाटक के पास द्वारपालों को दल दल करके ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर के भगत दाऊद ने ऐसी आज्ञा दी थी राजा ने भंडारों या किसी और बात के संबंध में याजकों और लेवियों को जो जो आज्ञा दी थी उन्होंने उसे न टाला। सुलेमान का सब काम जो उसने यहोवा के भवन के नींव डालने से लेकर उसके पूरा करने तक किया यह ठीक हुआ। इस प्रकार यहोवा का भवन पूरा हुआ। तब सुलेमान एशोन गेबेर और एलोत को गया जो एदेम के देश में समुद्र के किनारे स्थित है। हुराम ने उसके पास अपने जहाजियों के द्वारा जहाज और समुद्र के जानकार मल्ला भेज दिए और उन्होंने सुलेमान के जहाजों के संग ओपीर को जाकर वहाँ से 450 की कार सोना राजा सुलेमान को ला दिया।